साधना और समाधान चैनल के माध्यम से भक्तजनों, आज मैं आपको माता मसानी मेल्डी की सवारी बुलाने की मंत्र साधना बताने जा रहा हूँ। ये जो साधना है भक्तजनों माता मसानी मेल्डी जी की, इस साधना से आपको माता मसानी मेल्डी जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि भक्तजनों बताऊंगा, अगर आप इसी विधि के अनुसार ही आप इस मंत्र की साधना करेंगे, इस मंत्र को सिद्ध करेंगे, तो माता मसानी मेल्डी आपके शरीर के ऊपर अपनी हाजिरी देगी, सवारी देगी। तो भक्तजनों माता मसानी मेल्डी की सवारी बुलाने की ये जो मंत्र साधना है, इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो 21 दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं, या फिर आप नित्य कर्म अनुसार इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें आप अपने घर के बने मंदिर में, तब भी ये जो मंत्र है पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। उससे भी आपके शरीर के ऊपर माता मसानी मेल्डी जी की हाजिरी होगी, सवारी आने लगेगी। अगर आप नित्य कर्म अनुसार इसका जाप करते रहेंगे और जो इसकी सामग्री भोग प्रसाद होगा, अगर उसी विधि के अनुसार जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर वह भोग प्रसाद आप विधि के अनुसार देते रहेंगे, लेकिन जिन भक्तजनों ने पूर्ण रूप से इस मंत्र की सिद्धि की प्राप्ति करनी है 21 दिन में, तो 21 दिन ही उन भक्तजनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और काले ही उन्होंने वस्त्र पहनने होंगे। और जाप करने के बाद भोग प्रसाद देने के बाद भक्तजनों धरती के ऊपर आसन लगाकर सोना पड़ेगा। जिन्होंने पूर्ण रूप से ब्रह्म का पालन करते हुए इस साधना के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं और अपने शरीर के ऊपर सवारी लेनी है, तो आपको इन नियमों की पालना करनी पड़ेगी 21 दिन रेगुलर। जिन भक्तजनों ने 21 दिन की ये साधना करनी है, जो आगे मैं आपको ये सामग्री भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ, तो आपको ये 21 दिन ये भोग प्रसाद सामग्री देनी पड़ेगी रेगुलर नित्य कर्म अनुसार। जब सूर्य अस्त हो रहा हो शुक्ल पक्ष के शनिवार से आपने ये जो साधना है आरंभ करनी है, उसी दिन से आपने ये जो भोग प्रसाद सामग्री है आपने देनी है। और जिन भक्तजनों ने 21 दिन की ये साधना नहीं करनी, वैसे ही आपने नित्य कर्म अनुसार इस मंत्र की सिद्धि करनी है, इस मंत्र का जाप करना है, तब आप अपने घर के बने मंदिर में इसका जाप करते रहें। तो कभी कभी यही जो भोग प्रसाद मैं आपको बता रहा हूँ, यही भोग प्रसाद आप महीने में एक या दो शनिवार को ये भोग प्रसाद आप देते रहें, शुक्ल पक्ष के शनिवार से भक्तजनों आपने ये आराधना है, जो साधना है आपने आरंभ करनी है। तो माता रानी के भक्तजनों माता मसानी मेल्डी जी की सवारी बुलाने की ये जो सामग्री, ये जो भोग प्रसाद है, पहले मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। इसके लिए भक्तजनों आपने थोड़ा सा बनाना है देसी घी का हलवा, और आपने काले बनाने हैं चने, और आपने दो बनानी है पूड़ी। जैसे हम कंजका पूजन के लिए भक्तजनों देसी घी का हलवा, चने और पूड़ी बनाते हैं, उसी विधि के अनुसार भक्तजनों आपने ये जो सामग्री है, ये जो भोग प्रसाद है आपने तैयार करना है। जिन भक्तजनों ने 21 दिन की साधना करनी है, तो वह भक्तजन इस भोग प्रसाद को नित्य कर्म अनुसार माता रानी को लगाते रहें। और जिन भक्तजनों ने 21 दिन की साधना नहीं करनी, आपने वैसे इस मंत्र का जाप करना है, तब आप कभी कभी इस भोग प्रसाद को लगा सकते हैं माता मसानी मेल्डी जी को प्रसन्न करने के लिए। और ये जो भोग प्रसाद आपने लगाना है भक्तजनों, पहले आप माता मसानी मेल्डी जी के नाम का सरसों के तेल के चिराग को रोशन करें, और चिराग के पास आपने किसी बर्तन में डालकर जल रख देना है, पानी रख देना है, और उसके बाद भक्तजनों आपने उस चिराग के आगे उपलों की अंग्यारी बनानी है, और उपलों की अंग्यारी जब बन जाए, आग जब तैयार हो जाए, तो आपने उस चिराग के आगे रख देना है इसको, और उसके बाद आपने उसके ऊपर देसी घी और सरसों के तेल की उहूतियाँ डालनी है। जब अग्नि रूप में माता मसानी मेल्डी जी हाजिर हो जाए, तब आपने ये जो देसी घी का हलवा है, ये जो पूड़ी है, और ये जो चने हैं, इसका आपने
भक्तजनों भोग लगाना है माता मसाणी मेलडी जी को, और उसके बाद भक्तजनों माता मसाणी मेलडी जी को ये भोग लगाने के बाद आपने ये जो पूड़ी है और ये जो हलवा है इसको आपने उस चिराग के उस होम के ऊपर से वारना है, और उसके बाद आपने अपने पूरे शरीर के अपने सर के ऊपर से 7 बार इसको वारना है, और उसके बाद ये जो हलवा पूरी है उसी चिराग के पास आपने रख देना है, और उसके बाद भक्तजनों आपने ये जो माता मसाणी मेलडी जी को प्रसन्न करने का शावर मंत्र है, माता मसाणी मेलडी जी की सवारी बुलाने का ये जो सिद्ध मंत्र है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं उसका आपने जाप करना है। वहीं पर बैठकर 5 माला का रुद्राक्ष की भक्तजनों आपने माला लेनी है, 108 मणकों वाली आपने माला लेनी है, वहीं पर बैठकर आपने जाप करना है जय जो माता मसाणी मेलडी जी की सवारी बुलाने का, आपको ये जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ। जागो माँ मसाणी मेलडी, रोशन किया चिराग, काले वस्त्र काले शस्त्र काला सिर पे ताज, हाजरी लाओ वचन पगाओ करूं धूप अंग्यारी, मान आदेश महाकाल का हाजिर करो सवारी। ये जो माता मसाणी मेलडी जी का मंत्र है भक्तजनों, अगर आप इसी विधि के अनुसार इसका जाप करते रहेंगे जैसे मैंने पीछे आपको बताया है तो माता मसाणी मेलडी जी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी और आपके ऊपर माता मसाणी मेलडी जी की सवारी आएगी, और जिनके घरों में तामसिक भोग प्रसाद लगाया जाता है माता मसाणी मेलडी को तब आप तामसिक भोग प्रसाद भी इसी भोग के साथ आप भेटा दे सकते हैं, तब भी ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। दोनों रूप से ही ये मंत्र चलेगा, सात्विक पूजा के द्वारा और तामसिक पूजा के द्वारा, दोनों रूप से ये मंत्र की सिद्धि की आपको भक्तजनों प्राप्ति होगी। और इस मंत्र के लिए वैसे आपको सुरक्षा घेरे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने सुरक्षा घेरे का जाप करना है तो साधना और समाधान चैनल के ऊपर मैंने बाबा भैरवनाथ जी का सुरक्षा घेरा डाला हुआ है, या फिर आप ख्वाजा जिंदा पीर की हाजिरी डालकर भी इस साधना का आरंभ कर सकते हैं, उससे भी आपकी पूर्ण रूप से रक्षा होगी। लेकिन जब आप कोई भी साधना करते हैं, जिस देवी देवता की आप साधना करते हैं, जब आप उसके नाम का ये भोग प्रसाद अपने सर के ऊपर से वार कर रखते हैं चिराग के पास, तो वही आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करता है। जैसे इसमें मंत्र में भी माता मसाणी मेलडी आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगी, और जो भोग प्रसाद भक्तजनों माता रानी का चिराग के पास पड़ा है हलवा और पूड़ी उसको आपने अपने सर के ऊपर से वारना है जाप करने के बाद, और उसके बाद उसको आप जा किसी दरवेश कुत्ते को डालते रहें नित्य कर्म अनुसार, या फिर किसी खुले कलर मैदान में भी आप इसको रख सकते हैं। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको माता मसाणी मेलडी जी की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। इसी तरह से एक नई विधि एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय माता काली जय बाबा भैरवनाथ।